तो सबसे पहली बात जो आती है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है। लाइफस्टाइल को अच्छा रखने का मतलब है कि आपको बहुत सारे हेल्दी फूड्स खाने हैं, जंक फूड अवॉइड करना है। अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप वेट लॉस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, और अगर आप अंडरवेट हैं तो थोड़ा सा वेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक प्रीकंसेप्शनली एक ओबीजीगायनी से मिलना एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि वो आपको कुछ प्रीनेटल विटामिंस पे स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि फोलिक एसिड, जो लेना ज़रूरी है जो भी कपल्स प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। कुछ फूड्स हैं सच एज स्ट्रॉबेरी, स्पिनच, बीन्स, ऑरेंज जूस, इन सब में नेचुरली आपको फोलेट मिलेगा, तो इन सब की रिक्वायरमेंट जो है आपको अपने डाइट में बढ़ानी होगी। लाइफस्टाइल में और चीज़ें आती हैं, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपको क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग जो है आपकी एग क्वालिटी को भी ख़राब करता है और आपकी ओवुलेशन को भी हैम्पर करेगा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप अल्कोहल, नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ इन प्रेगनेंसी, एंड ओकेजनल ग्लास ऑफ वाइन मे बी, बट इट इज़ बेटर टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ अल्कोहल व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। कुछ एक्सरसाइज करना आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप डेली रूटीन में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे तो आपका वेट के लिए भी अच्छा रहेगा। और डी स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो उसके बारे में किसी फ्रेंड से बात करना या अपने पार्टनर से बात करिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपकी फर्टिलिटी को बहुत हैम्पर करता है और आपकी ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम्स करता है। अगर आप एक्सेस में कैफीन ले रहे हैं, चाय या कॉफ़ी, तो उसको कट डाउन करके 1 to 2 cups पे आ जाइए, क्योंकि जो है एक्सेस ऑफ कैफीन भी जो है वो आपकी ओवुलेशन को हैम्पर करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, यू हैव टू स्टॉप अल्कोहल, यू हैव टू डी स्ट्रेस, यू हैव टू इंक्लूड लॉट ऑफ एक्सरसाइज। बहुत एक्सेस में भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि वो भी ओवुलेशन को हैम्पर कर सकता है। तो जस्ट अ 30-minute वॉक और एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू लाइक, योगा, डांस, जुम्बा, यू कैन इंक्लूड दैट इन योर करिकुलम। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल को यूज़ कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे थे या आप कोई कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बंद कर दीजिए और अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्लान करिए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी ओवुलेशन को पहचान सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग सेक्स एवरी डे, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग द राइट टाइम। वो टाइम पीरियड पता करना ज़रूरी है कि कब ओवुलेशन होगा और कब आपका जो है कॉन्टैक्ट करना फेवरेबल होगा। तो कैसे आप अपनी ओवुलेशन को पहचान सकते हैं, इसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स भी दिखते हैं। कई बार जो वुमेन ओवुलेट कर ली होती है उनको थोड़ा सा पेन होता है एब्डोमेन में, लाइट स्पॉटिंग भी होती है या एक डल एक होता है एब्डोमेन में। दूसरा कुछ है, कुछ आप हेल्प ले सकते हैं ओवुलेशन किट्स से। LH किट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको यूरिन सैंपल में स्ट्रिप्स को डिप करके अगर कलर चेंज आएगा तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी LH सर्ज आ रही है, और LH सर्ज जो है जो आपकी ओवुलेशन होने वाली होती है, LH लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और वो इंडिकेट करता है कि आपकी ओवुलेशन अप्रोच कर रही है एंड नाउ इट इज़ द फेवरेबल टाइम टू हैव कॉन्टैक्ट। बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, जैसे आप अपना जो सर्वाइकल म्यूकस का कंसिस्टेंसी है वो भी देख सकते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेची हो जाता है। बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग्स भी हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर कुछ महीने के लिए चार्ट करना पड़ेगा, और जब एक सस्टेन 0.5 डिग्री का राइज आएगा तब वो इंडिकेट करता है कि यू आर अप्रोचिंग योर ओवुलेशन। तो पहले ही कुछ महीने आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर से, ये ओरल भी आप मेजर कर सकते हैं रेक्टली और वजाइनली, और 0.5 डिग्री का एक सस्टेन राइज है जो इंडिकेट करता है कि आपकी ओवुलेशन अप्रोचिंग है। बहुत सारे ओवुलेशन कैलकुलेटर्स अवेलेबल ऐप्स हैं, जिसमें आप अगर अपना पीरियड का फर्स्ट डे और पीरियड का लास्ट डे जो है मंथ का जब एंड होता है आपका पीरियड, वो डालेंगे तो आपको वो फेवरेबल पीक डेज जो है वो हाईलाइट करेगा। दिस आर कॉल्ड ओवुलेशन कैलकुलेटर्स, जो बहुत ईजिली आप सर्च करके अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो हाईलाइटेड डेज हैं अगर आप उन पर कॉन्टैक्ट करें रखेंगे तो वो आपका फेवरेबल रहेगा प्रेगनेंसी के लिए। अब बात करते हैं कि कितनी बार हमें कॉन्टैक्ट रखना है। जैसा कि कहते हैं कि एवरीथिंग ऑफ एक्सेस इज़ नॉट गुड, तो ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको कॉन्टैक्ट रखना है, क्योंकि अगर आप रोज़ कॉन्टैक्ट रखेंगे तो आपके पार्टनर का जो स्पर्म की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। सो दे से एवरी ऑल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट इज़ ऑल्सो इनफ, सो इट इज़ नॉट कि यू हैव टू डू इट एवरी डे। एंड इसको एक चोर की तरह मत बनाइए, अगर आप, क्योंकि आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर आप काम कर रहे हैं, जितना इसको लाइट हार्टेड रखेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे, उतना ये और अच्छे से वर्क करेगा। एंड कोई लुब्रिकेंट्स यूज़ करने के लिए इस टाइम पे अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेटर है आप नहीं यूज़ करें, क्योंकि जो है ये स्पर्म के पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो लुब्रिकेंट्स को अवॉइड करिए।